वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की मुख्य कार्यकारी क्रिस्टीना मैथ्यूज ने शनिवार को कहा है कि पर्थ में 14 जनवरी से होने वाले पांचवें और अंतिम एशियस टेस्ट की मेजबानी करने की संभावना 50% है। यह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सरकार पर निर्भर करता है कि क्वारंटाइन नियमों को देखते हुए वह इस मैच के लिए कितने दिनों की छूट देते हैं। जो रूट की अगुवाई वाली इंग्लैंड की टीम के खिलाफ आखिरी टेस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में चौथा टेस्ट पूरा होने के 5 दिन बाद शुरू होगा। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने क्षेत्र में कड़े नियम लागू कर रखे हैं, जिससे पर्थ में आखिरी टेस्ट की मेजबानी करना मुश्किल है। क्वारंटीन नियमों में छूट मिलने पर ही यह मैच के लिए दोनों टीमें आ सकेंगी। क्रिस्टीना मैथ्यूज ने शनिवार को एक रेडियो के कार्यक्रम में कहा कि यहां क्रिकेट होने की पूरी संभावना है। मुझे लगता है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पिछले एक हफ्ते से आखिरी टेस्ट कराने पर विचार कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, क्रिकेट कराने की तकनीकी रूप से सबसे बड़ी समस्या प्रसारण है, साथ ही प्रसारण के समय आसपास आवश्यक लोगों की भीड़ होगी, जो खिलाड़ियों के लिए परेशानी हो सकती है। मैथ्यूज के अनुसार वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के पास क्वारंटीन में ढील देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पर्थ के टेस्ट की मेजबानी करने में असमर्थ होने पर तस्मानिया में एशेज का आखिरी टेस्ट मैच करवाया जा सकता है। दूसरी तरफ होबार्ट में ओवल, जो दिसंबर और जनवरी में कई बिग बैश लीग और महिला राष्ट्रीय क्रिकेट लीग मैचों की मेजबानी करेगा, टेस्ट मैच कराने के लिए उनको काफी फेरबदल करने की जरूरत होगी। दूसरा विकल्प क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास कैनबरा है। इसके अलावा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया MCG में चौथे और पांचवें टेस्ट की मेजबानी का फैसला भी कर सकता है। इससे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निक हॉकली ने पांचवें एशियस टेस्ट की ओर इशारा करते हुए कहा है कि देश में कोरोना के कारण प्रतिबंधों के बावजूद वह चाहते हैं कि खेल तय कार्यक्रम के अनुसार ही कराया जाए। ऑस्ट्रेलिया से ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि पर्थ टेस्ट को सिडनी शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में महामारी का कहर है और अन्य राज्यों की तुलना में वैक्सीन प्रोग्राम की रफ्तार धीमी है। हॉकली ने कहा, हम चाहते हैं कि खेल कार्यक्रम के अनुसार कराया जाए। यह वैसा ही है जैसे भारत सीरीज के समय हुआ और हम पर्थ स्टेडियम में मैच करवा सके। उन्होंने कहा, नए स्टेडियम में यह पहला एशियस टेस्ट होगा। हम पर्थ में पांचवा टेस्ट खेलना पसंद करेंगे। हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं। अभी भी 3 महीने दूर है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि तय कार्यक्रम के अनुसार चीजें हों। बता दें कि एशियस की शुरुआत 8 दिसंबर से गाबा में होनी है। INS रिपोर्ट।